के महात्मा एकांत स्थानों में जो चिंतन मनन करते हैं वो समाज के साथ में शेयर करते हैं, ताकि उनका आत्मिक बल भी बना रहे, वैचारिक रूप से वो समृद्ध रहे और अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। ऐसे लोगों के बयानों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये इनका उद्देश्य सिर्फ दुष्प्रचार करना है सनातन के प्रति, जो इनके अंदर चिढ़ है। अफजाल अंसारी के दिए गए विवाद बयान के बाद अब अफजाल अंसारी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। जहां इस मामले को लेकर मुकदमा दर्ज हो चुका है, वहीं अब साधु संतों में भी नाराजगी है। हम इस समय पंचायती निर्वाणी अखाड़े में मौजूद है। हमारे साथ यमुनापुरी महाराज है, इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से ये बयान को देखते हैं। किस तरीके के बयान को देखते हैं महाराज जी? इस तरीके के बयान उनकी मानसिकता को दर्शाते हैं कि वो किस येन केन प्रकार ने किसी भी तरीके से जो साधु महात्मा है या सनातन धर्म की हमारी परंपराएं हैं उन पे उनको उंगलियां उठानी है और उनके बारे में एक दुष्प्रचार करने की ये एक मंशा है उनकी। तो ऐसा नहीं है कि कुंभ मेले में नशा पत्ता या ये सब है। कुंभ मेले में हर तरीके के योगी, विरक्त, सन्यासी, वैष्णव, उदासी सभी अखाड़ों के महापुरुष महात्मा आते हैं, क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा पर्व है और हमारी संस्कृति से इसके माध्यम से पूरा देश एक होता है। यहाँ समस्त पूरे भारतवर्ष से ही नहीं, अभी तो विश्व में रहने वाले सभी सनातन धर्मी यहाँ आते हैं, इकट्ठे होते हैं और जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम स्थान पर स्नान करते हैं। तो अध्यात्म और कर्मयोग यानी कि गृहस्थ, इन दोनों का इससे बड़ा संगम कहीं नहीं होता है। अपनी अपनी त्याग तपस्या करके महात्मा एकांत स्थानों में जो चिंतन मनन करते हैं वो समाज के साथ में शेयर करते हैं, ताकि उनका आत्मिक बल भी बना रहे, वैचारिक रूप से वो समृद्ध रहें और अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। और जो गृहस्थ समाज है वो जो भी कुछ कमाई कमाता है अपने कर्म के बल पे, उसके माध्यम से वो थोड़ा जो भी उनसे सहयोग होता है ना, भोजन में या साधु की सेवाओं में, उनमें वो लोग भी अपना योगदान देते हैं। तो गृहस्थ और सन्यासी महात्मा एक दूसरे के पूरक, हमारी संस्कृति में ऐसा ही माना गया है। तो एक से एक विरक्त और वेदांत के मर्मज्ञ, त्यागी, तपस्वी, हर तरीके के महात्मा यहाँ आते हैं। तो उनका ये कहना कि यहाँ सिर्फ ऐसा ही ये है, तो ये बहुत बेतुका और निंदनीय बयान है, जिसकी हम निंदा करते हैं। और ऐसे लोगों के बयानों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये इनका उद्देश्य सिर्फ दुष्प्रचार करना है सनातन के प्रति, जो इनके अंदर चिढ़ है ये उसकी अभिव्यक्ति करते हैं किसी न किसी रूप में। क्या लगता है, तमाम और मांगे उठ रहे हैं कि इनकी संसद सदस्यता निरस्त करनी चाहिए, इन पर और कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये साधु संतों की इतना बड़ा हुजूम जो है महाकुंभ में लगेगा, इस तरह का बयान दे रहे हैं? देखिए, राजनीतिक विषय के ऊपर उनकी सदस्यता जाए नहीं जाए ये एक अलग विषय है, इस पर मैं, ये तो राजनीतिक दल जाने और अपनी अपनी नैतिकताएं हैं, कौन क्या कर पाता है। लेकिन मेरा मेन बात है कि जो उन्होंने कुंभ के ऊपर आए महात्माओं के बारे में जो बोला है, ये बहुत ही निंदनीय है और बेशर्मी भरा बयान है, और सनातन को, हमारे परंपराओं को लेकर के उस पर, मतलब उसके दुष्प्रचार के लिए उठाया गया ये एक उनका बयान है, जो कि बिल्कुल अनुचित है। यहाँ सदियों से, क्या युगों से ये कुंभ मेले लगते हुए आ रहे हैं, लाखों सालों से इनकी परंपराएं चलती आ रही है, कोई ये नहीं कि आज से ही कोई शुरू हुआ है, जब ये इस्लाम भी नहीं था और जब कोई भी वो, तब से कुंभ मेले चल रहे हैं। तो हम किसी संप्रदाय, किसी मत के उनकी तरह आलोचक नहीं, उनकी आलोचना नहीं करना चाहते हैं किसी में, उनके यहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन हमारे यहाँ एक से एक साधु, तपस्वी, योगी, यति महात्मा है, जो कि समाज के अंदर बहुत बड़े बड़े परोपकार करते हैं, लाखों बच्चों को स्कूलों में पढ़ाई भी करवाते हैं, लाखों लोग लंगरों में आते हैं, भंडारे खुले रहते हैं, यहाँ कोई नहीं पूछता है कि तुम कौन जाति के हो, कौन बिरादरी के हो, पूरा सनातन एक होता है और अपने सभी संप्रदायों से ऊपर उठ करके यहाँ इस हमारे यहाँ सभी अखाड़ों के अंदर सभी जो बड़े बड़े महात्मा पूरे भारतवर्ष से आते हैं, विदेशों से भी आते हैं, वो सभी यहाँ अपनी तरफ से जितना संभव होता है अपने समाज की, अपने राष्ट्र के जो श्रद्धालु भक्त हैं उनको, उनके प्रति समर्पित रहते हैं। क्या लगता है कि इस तरह का बयान देकर के वो चर्चा में बना रहना चाहते हैं सनातन को लगातार देकर, कि ऐसे कई और भी लोगों के बयान आए हैं? हाँ, इन लोगों का यही होता है मेन, तो और क्या हो सकता है, क्योंकि इसमें कुछ भी सत्यता नहीं है। ठीक है, लेकिन ये अनुचित है ये बयान, हम इसकी निंदा करते हैं।
तो बिल्कुल देखिए, हमारे साथ यमुना परी महाराज से साफ तौर पर इनका कहना है कि अफजल अंसारी ने जो इस तरह का बयान दिया है कुंभ को लेकर और साधु संतों को लेकर, उससे नाराजगी है और इस तरह के बयान का वो निंदा कर रहे हैं। वीडियो यादव के साथ श्रेष्ठ यूपी प्रयागराज। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।